देवरिया से है। जिले में कई नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं। बाढ़ की सबसे अधिक तबाही बरहस तहसील क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जहां पर कई गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं, जिसमें 3 गांव पूरी तरह से मैरून है। बाढ़ का पानी का कहर इतना है कि लोग अब अपने घरों में रखे सामान और परिवार के साथ पलायन होने को मजबूर हैं। हालांकि देवरिया जिला प्रशासन यह दावा करता है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन स्थिति और लोगों को देखते हुए यह लगता है कि सब व्यवस्था काजों पर ही की गई है। घाघरा और रप्ती नदी के संगम तट पर कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते राम जानकी मार्ग पर पानी बह रहा है। सड़क की दूसरी तरफ स्थिति यह है कि गांव में पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों में भय का माहौल तो है, वहीं कई लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसमें पशुओं को चारे की समस्या उत्पन्न हो गई। तो वहीं बरह तहसील के कई स्कूलों में भी पानी अब धीरे धीरे भर रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि बहरत तहसील में महज 1 किलोमीटर की दूर पर कई गांव और घरों में पानी घुस चुका है, लेकिन SDM अपने ऑफिस में बैठकर केवल बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। वहीं लोग जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, यहां हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन SDM का कहना है हमने कई नावें लगाई हैं, व्यवस्था कर दी गई हैं, लेकिन यह तस्वीरें देखकर यह लगता है कि लोग कितना परेशान हैं। हाँ सर, हम लोग घर में पूरा पानी घुस गया है, पूरा घर हम लोग को डूब गया है, घर गिर गया है, हम लोग रोड पे आ गए हैं, सब सामान भी भीग गया है हम लोग का। किस नदी का पानी है ये? सरजू का, गंगा का पानी है। प्रशासन ने कोई मदद की है? अभी तो कुछ नहीं प्रशासन ने मदद की है सर। क्या चाहते हैं? कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अब रोड पे रह रहे हैं। क्या नाम है आप? राम अज्ञा यार, टोला कुबाइच है। फिर का नाम है कि आपका पूर्व पड़सियाँ रोड जा रही है, नौका टोला है, फिर उस टोला जो काली मंदिर रोड जा रहा है उधर लोग प्रभावित हैं। सड़क क्रॉस कर गई है, का नाम वहाँ बेलडाल चौराहे पे जाकर कम से कम 200 मीटर सड़क पार कर गई है। प्रशासन की मदद किया है? प्रशासन में कल तहसीलदार साहब आए थे और यहाँ से पुलिस चौकी से का नाम है कि दरोगा जी आए थे। अच्छा, बाढ़ के घरों में बाढ़ से पानी घुस चुके हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की? उन लोगों के लिए स्कूल का व्यवस्था कहना कल तहसीलदार साहब हमारे करा कर चाबी वहाँ खुला है, लोग जा सकते हैं। एक सामुदायिक भवन है वो भी कहना है, उसको भी खुलवा दिया गया है। और हमारे के यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों विद्यालय खुले हुए हैं लोग को जाने के लिए, सुरक्षित जगह पहले वो लोग पहुँच जाएँ। हम लोग बरहज तहसील क्षेत्र में हैं। बरहज तहसील में जो 4 गांव विशेष रूप से हैं, वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। आबादी हमारी सुरक्षित है, कोई जनधन पशु हानि नहीं है सौभाग्यवश व्यवस्थाओं के कारण भी, परंतु इन गांवों में विशेष रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परसिया देवार, बिशनपुर देवार, बदला प्रथम, बदला अव्वल, केवटलिया साइड में कुछ गांवों में साइड में भी पानी आया है। करीब 1 से 2 दर्जन गाँव हैं ऐसे जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी बाहर पर है। प्रशासन का ये प्रयास है कि वहाँ पर जो दैनिक आवश्यकताएं की चीज़ें हैं वो ना रुकें। बिजली की सप्लाई अभी है वहाँ पे, इसके साथ साथ जो कोटेदार सामग्री बांटी है वो भी वहाँ पर है। हम लोग अब ये भी कर रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा दिनों से पानी भरा हुआ है ऐसे 4-5 गांवों में, वहाँ पर राहत सामग्री का वितरण भी हम लोग शुरू करा रहे हैं, और कल तक और परसों तक सारा राहत सामग्री का वितरण भी हो जाएगा उन गाँवों में जहाँ आबादी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। देवरिया से ज्ञानेन्द्र मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।